लॉकडाउन के बीच सब्जियों के भाव आसमान छू रही हैं। दो दिन में सब्जियों की कीमतों में 30% तक का उछाल आ गया। सप्लाई कम होने से थोक मंडी में भी महंगाई की मार पड़ी है। सरकार लोगों को बार बार आगाह कर रही है कि जब तक जरूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें। लिहाजा लोग सब्जियों को हफ्ते भर के लिए एक साथ खरीद लेना चाहते हैं। यहीं से बाजार में डिमांड और सप्लाई का गैप बढ़ता जा रहा है। मौके की तलाश में बैठे मुनाफाखोर अब सब्जी मंडी में महंगाई की आग लगा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी सब्जी मंडी यानी दिल्ली के आजादपुर मंडी में आकर आपको पता लगेगा कि कोरोना से भले ही तमाम बिजनेस थराशाई हो गई हो, लेकिन सब्जियों का धंधा खूब चमक रहा है। लॉकडाउन के दो दिन में सब्जियों के दाम में 30-40% की बढ़ोतरी हो चुकी है। पहले जहां 3000 ट्रक फल और सब्जियां लेकर रोजाना आजादपुर मंडी आते थे, अब महज 1000 से 1500 ट्रक ही रोजाना आ रहे हैं, यानी सप्लाई में 50% की कमी आई है। इसी वजह से लॉकडाउन लागू होते ही सब्जियां भावत खाने लगी हैं।